हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स हो चुके हैं खत्म, और अभी आपकी बारी है कि आपको क्या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। अगर आप बीएससी बायो से हैं और आपको जानना है कि बीएससी बायो में जूलॉजी का क्या सिलेबस रहता है, हमें जूलॉजी थर्ड सिलेबस में क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या चीजें ऐसी आएंगी जो हमने नहीं पढ़ी है, हमें क्या क्या नया पढ़ने को मिलेगा, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानकारी देने वाले हैं कि आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी में क्या पढ़ाया जाने वाला है, आप क्या पढ़ने वाले हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दूसरी बात ये कि अगर आपको थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन करनी है बीएससी की, तो आप टारगेट गुरुकुल का एक नया प्लेटफॉर्म जिसका नाम लखनऊ गुरुकुल है, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिलेगा। साथ ही साथ में अगर आपको ये नोट या फिर पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो टारगेट गुरुकुल की मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप उसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। सेमेस्टर थर्ड बीएससी बायोलॉजी सब्जेक्ट जूलॉजी, आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या ऐसी नई चीजें हैं जो आपने नहीं सीखी होंगी, वो आपको अब पढ़ने को मिलेगा इन डिटेल। देखो बहुत सारी चीजें आपने क्लास बीएससी की फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी, जैसे कि नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा, एंड सेमेस्टर टू में कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा, और भी चीजें पढ़ी होंगी आपने सेमेस्टर सेकंड में। अब बारी आती है थर्ड सेमेस्टर की। अगर हम थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो आपका जो थर्ड सेमेस्टर है 4 यूनिट में डिवाइड है। अगर हम बात करें इन चारों यूनिट्स में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, तो देखो बेसिकली जैसे कि आपने देखा कि 11th क्लास का प्रॉपर सिलेबस चल रहा था, बट उसको डाइवर्सिफाई करके पढ़ाया जा रहा था। सेम वही चीजें कंटिन्यू रहेंगी यहाँ पर भी। आप 11th क्लास का सिलेबस पढ़ने को मिलेगा, कुछ 12th का पढ़ने को मिलेगा, ये बेसिकली क्लास 12th का 11th का नहीं है। जैसे कि आपने बायोडाइवर्सिटी या इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ा होगा क्लास 12th में, जैसे कि आपका इकोलॉजी नाम से एक यूनिट थी क्लास 12th में, जो कि लास्ट यूनिट थी, जिसमें आपको डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाया गया, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ाया गया, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ाया गया। सेम उसी चीज को यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, बस डाइवर्सिफाई करके। जो चीजें आपने वहाँ पे एक चैप्टर में पढ़ी थी, यहाँ एक यूनिट बन गई है और उसी को आपको मोटी मोटी किताबों में पढ़ाया जाता है। ठीक, अगर हम बात करें यूनिट वन में, देखो आप यूनिट वन में देख पाओगे बायोस्फीयर क्या है, क्या बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर के बारे में बताया जाएगा, बायोस्फीयर क्या है, ठीक, बायोम्स क्या होते हैं, एक्टोन्स क्या होते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा अच्छे से। साथ ही साथ में इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, इकोसिस्टम के कितने टाइप होते हैं, इकोसिस्टम का क्या स्ट्रक्चर होता है, कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं इकोसिस्टम के, ठीक है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, एनर्जी फ्लो कैसे होती है, साइकिल आपने जो ट्री पढ़ी होगी वो, ठीक है, एक एनर्जी फ्लो का लिंडमैन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक 10% का लॉ दिया था, वो और भी लॉज नए आएंगे जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। साथ ही ये देखो मैंने ट्रॉफिक लेवल की बात की थी, ट्रॉफिक लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। यहाँ पर एनर्जी फ्लो ट्रॉफिक लेवल्स में पढ़ाई जाएगी, बाद में यहाँ पे इन्होंने दिया कि ट्रॉफिक लेवल्स भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है अगर आपको ट्रॉफिक लेवल्स भी पढ़ने को मिलता है, और साथ ही साथ में फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। वैसे आपको पता होगा अगर आपने अच्छे से 10th, 11th, 12th में पढ़ाई की है, और नहीं पढ़ाई की है तो अब पढ़ लेना। पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डायनेमिक्स ऑफ पॉपुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन कैसे होता है, ये चीजें आपको यूनिट वन में पढ़ने को मिलेंगी। और यूनिट टू की बात करें, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या होते हैं, यूनिट टू में क्या इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या होते हैं, आपको पता होगा कि इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस होता है। इंट्रा क्या होता है, एक ही स्पीसीज के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसको हम इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन अगर हम इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन की बात करें, यानी कि दो स्पीसीज के बीच में, क्या दो स्पीसीज के बीच में अगर कोई इंट्रैक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो अलग अलग स्पीसीज, ठीक है, उसको इंटर स्पीसीज बोलते हैं। अगर किसी दो सेम स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के हो, उसको हम इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोलते हैं, वो चीज आपको पढ़ने को मिलेगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ने को मिलेगा, और क्या पढ़ने को मिलेगा, क्लाइमेक्स क्या होता है उसमें, आर एंड के स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, इकोलॉजिकल नीच क्या होता है वो पढ़ने को मिलेगा, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन पढ़ने को मिलेगी, चाहे वो एक्वेटिक हो, वॉवलेंट हो, वॉलेंट हो, अर्बोरियल हो, अर्बोरियल और कर्शोरियल हो, या फिर फोजोरियल हो, या फिर डेजर्टरियल, या फिर डेजर्ट वाली हो। ठीक है,
इनका मतलब यही है कि इकोलॉजिकल एडाप्टेशन, जैसे कि आपने एक छिपकली वाला पढ़ा होगा, छिपकली एक बिहेवियरल एडाप्टेशन दिखाती है, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पे एक्वेटिक, आपने वो डेजर्ट वाला पढ़ा था, अब आपको एक्वेटिक एडाप्टेशन पढ़ना है, वोलेंट वाला पढ़ना है, एरबोवियल यानी कि ऐसे एडाप्टेशन जो पेड़ और जमीन से संबंध रखते हो, एरबोवियल कहलाते हैं, कोर्सियल और फोजोरियल, डेजर्टियल, जैसे कि आपने छिपकली वाला पढ़ा था, बिहेवियरल था लेकिन वो डेजर्ट का था, तो इसी में और भी एग्जांपल्स नए पढ़ने को मिलेंगे, वो रहता है आपका यहाँ पे। और यूनिट थ्री की बात करते हैं, यूनिट थ्री में आपको पढ़ने को मिलेगा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मैनेजमेंट, क्या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड मैनेजमेंट पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि एयर का एनवायरमेंटल, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, वाटर का पोल्यूशन, ठीक है, उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सॉइल का पोल्यूशन, उसका मैनेजमेंट, रेडिएशन, रेडिएशन का मैनेजमेंट, साथ ही साथ में लाइट, लाइट का मैनेजमेंट, द ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है वो आपको पढ़ने को मिलेगा, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है और एसिड रेन पढ़ने को मिलेगा, एनवायरमेंटल अवेयरनेस इंक्लूडिंग वाटर एंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड सैनिटेशन, ये चीज आपको पढ़ने को मिलेगी, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में पास किया गया था वो पढ़ने को मिलेगा, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट यानी कि द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 में जो कि पास किया गया था उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक। और साथ ही साथ में अगर बात करें नेक्स्ट चीज की, नेक्स्ट क्या है आपको, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूनाइटेड नेशंस में जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम चलाए जाते हैं, चाहे वो आपके एयर प्रोटेक्शन के लिए हो, चाहे आपके वाटर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हो, या फिर कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कि आपके एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता हो, उसके बारे में इस टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। एंड लास्ट यूनिट आपकी क्या, लास्ट यूनिट में आपको देखते हैं क्या पढ़ने को मिलेगा, लास्ट यूनिट में आपको वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया पढ़ने को मिलेगा, क्या पढ़ने को मिलेगा, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया पढ़ने को मिलेगा, क्या वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया पढ़ने को मिलेगा, साथ ही साथ में वाइल्ड लाइफ जो है इंडिया की, क्या उसको कंजर्वेशन कैसे करेंगे हम, क्या वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में जो भी आपके चाहे जूलॉजिकल पार्क हो, बोटानिकल पार्क हो, क्या जूलॉजिकल पार्क हो, पार्क हो, बोटानिकल पार्क हो, उसका हम कंजर्वेशन कैसे करेंगे, उसकी स्ट्रेटजीज जानेंगे, चाहे वो एक्सिट्यू कंजर्वेशन हो या फिर इंसिट्यू कंजर्वेशन हो या फिर लेजिस्लेशन हो, किसका, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो कि 1972 में पास किया गया था, यहीं पर हम जानेंगे कि नेशनल पार्क कितने हैं इंडिया में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है इंडिया में, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है, कितने हैं इंडिया में, IUCN के बारे में जानेंगे, जिसका फुल फॉर्म भी जानेंगे, उसके बारे में सारी चीज जानेंगे, IUCN द्वारा कुछ कैटेगरीज दी गई हैं वो जानेंगे, और रेड डेटा बुक लिस्ट क्या होती है उसके बारे में जानेंगे सेमेस्टर थर्ड के सिलेबस में। यदि आप सेमेस्टर थर्ड का पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं जूलॉजी का, तो आपको लखनऊ गुरुकुल चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका मेन रीजन ये होगा क्योंकि आपको वहां पर सारा चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएंगी, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और साथ ही साथ में अगर आप PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको पता है टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, आपको वहां पर सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यूनिट वन में आपको जो पढ़ाया जाएगा बायोम्स, बायोस्फीयर, उसके बारे में पढ़ने के लिए कहां पर, याद रहे लखनऊ गुरुकुल पे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बाय बाय।